हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। ये मेरा सेकंड चैनल है और इसका नाम व्लॉग गर्ल है और इसके ऊपर आप सबका स्वागत है। भैया आपको कैसा लगता है ये मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ मैं मेरी पूरी मतलब एक वो होती है ना कि मतलब अपनी पूरी की चेष्टा के साथ में मतलब पूरी लगन के साथ में लगी हुई हूँ कि मैं एक ना एक दिन कामयाब ज़रूर हो जाऊँगी। और ये देखिए बाहर डोगी जी खड़े हुए, मतलब एक डोगी खड़ा हुआ, एक बच्चा खड़ा हुआ है, और फिर ये अपनी दैनिक क्रिया के लिए खड़े हो गए, मैं भी अपनी दैनिक क्रिया के लिए खड़ी हो गई हूँ। और फिर आती हूँ मैं नीचे, नीचे आकर वो चढ़ा देती है अपने पहली बार की चाय को, मतलब पहली बार की चाय को गैस के ऊपर रख दिया है, उसके अंदर जो भी सामान होता है वो सब कुछ डाल दिया चीनी के अलावा। उसके बाद में आ जाती हूँ मैं इस साइड में, और फिर पानी आज नहीं आ चुका है, लेकिन मैं आती हूँ तब तक पानी बंद हो जाता है। मतलब अब मेरे हिसाब से ये रूटीन बन गया कि टाइम एक दिन पानी टाइम से बहुत पहले आ जाता है और एक दिन टाइम के ऊपर आता है। और फिर क्योंकि पिछली बार भी नहीं भर पाई थी, इस बार भी नहीं भर पाई हूँ, फिर आती हूँ कोले से लाकर तो मेरी चाय उबल जाती है, उसमें डाल देती हूँ मैं दूध। और दूध डालने के बाद में जब तक मेरी चाय पकती है तब तक क्या है, मैं आप मतलब जितने बर्तन उतने बर्तनों को सेट कर देती हूँ। इस टाइम के ऊपर मैं चाय को पी चुकी हूँ और फिर मैं लग जाती हूँ अपने आग जलाने के काम के ऊपर। इसमें मैंने आग को जला दिया है और पानी के अंदर लकड़ी मतलब आग के अंदर लकड़ियाँ लगा दी हैं, तब तक के मैं बाहर झाड़ू लगा देती हूँ। और इतनी देर में मतलब फिर बार बार बीच में जाकर मैं चेक करके आ जाऊँगी कि मतलब आग बुझ तो नहीं गई है। मतलब यहाँ से लेकर जो भी गली है वहाँ तक, मतलब वो दीवार दिखाती हूँ वहाँ तक मैं लगा देती हूँ झाड़ू। पहले मैं क्या था, बाहर पानी डाल देती थी 2 बाल्टी, कभी कभी 2.5 डालती थी, मतलब झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करती थी और सिर्फ गली के अंदर 2 या 3 दिन में झाड़ू लगाती थी। लेकिन फिर मेरे को धोने से मना कर मतलब पानी डालने से मना कर दिया कि पानी नहीं डालना है, तो उसके बाद मैं झाड़ू लगाने लग गई हूँ डेली की डेली। इस टाइम के ऊपर मैं करने लगी हूँ अपनी पूजा पाठ की, मैं नहा करा चुकी हूँ, अब मैं मेरी पूजा के अंदर लग गई हूँ। मतलब मेरे इष्ट देवता की, मेरी तुलसी मैया की और मेरे सूर्य देवता की पूजा मैं डेली करती हूँ। और ये देखिए मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है। मतलब ये सूर्य देवता है, मतलब इस साइड से हमारे घर की पूर्व दिशा पड़ती है, तो मैंने सूर्य देवता को जल दे दिया। मतलब जैसे कि मेरे को मतलब अपने मन में श्रद्धा आती है कि मेरे को ये करना चाहिए, मैं वैसे कर देती हूँ। देखिए सूर्य देवता बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल मतलब बिल्कुल नए नए निकले हुए, मतलब अभी अभी उग गई हैं। और फिर ये देखिए मेरे बाबा जी को नहला देती हूँ, तैयार कर देती हूँ, बिल्कुल जय मेरे बाबा जी तैयार हो चुके हैं। फिर मैं पिला देती हूँ बाबा जी को दोबारा की चाय, मतलब पहली बार की चाय हम पी लेते हैं, दोबारा की चाय के टाइम के ऊपर बाबा जी को जगा देती हूँ। और फिर मेरा लाडू जी खड़ा हो जाता है, उसको भी मैं मतलब चाय दे देती हूँ। मतलब छोटा बाबू पीता है, बड़ा बाबू नहीं पीता है, बड़े बाबू को छोड़े हुए काफ़ी महीने हो चुके हैं। और ये देखिए छोटा बाबू नहीं छोड़ता है, मतलब उसको बहुत कोशिश करती हूँ तो भी नहीं छोड़ता है, क्योंकि मतलब फिर वो रोने लग जाता है। कोई बात नहीं चाहिए गुन्नू, क्योंकि गुन्नू ने भी अभी छोड़ी है, बीच में वो पीती थी और अब उसने बिल्कुल छोड़ दी है, तो ऐसे करके क्या पता ये भी बाद में छोड़ देगी। लेकिन मतलब चेष्टा बाबू थोड़ा जिद्दी हो गया है, मतलब कहना नहीं मानती है, मतलब थोड़ी जिद्दी टाइप की हो गई है, गुन्नू ऐसी नहीं थी। और फिर ये देखिए मेरी हो गई है पूरी की पूरी सफाई कंप्लीट, ऊपर की ओनली ऊपर की हुई है, नीचे की तो मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी फिलहाल ऊपर का कंप्लीट किया है। देखिए सब कुछ साफ़ हो गया है, मतलब झाड़ू पोछा डस्टिंग तीनों काम कंप्लीट कर दिए हैं। और फिर देखिए सब कुछ साफ़ क्लियर। और आज मेरे को कपड़े धोने हैं, तो मतलब आज देखते हैं प्रेस कर पाती हूँ या नहीं कर पाती, क्योंकि इस टाइम के ऊपर मैं नहीं बता सकती कि आगे क्या होगा, क्यों मतलब जो भी मेरा साथ होता है या जो मैं काम करती हूँ वो मैं चीज़ें मतलब डेली की डेली आपको दिखाती रहती हूँ। और मतलब किसी को पसंद आए किसी को नहीं आए, मतलब वो तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन हाँ मैं मेरी पूरी श्रद्धा भावना से लगी हुई अपने काम के ऊपर। और फिर ये देखिए मतलब जहाँ पर हम पानी गर्म करते हैं वहाँ पर मैंने राख वगैरह निकाल कर बाहर डाल कर आ गई हूँ, जो लकड़ियाँ सही थी उनको साइड में कर दिए, जो जली हुई होती है थोड़ी बहुत उनको उसको टंकी के अंदर डाल देती हूँ कि कल काम आ जाएंगी। और मतलब होद के पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि आज पानी टंकी के अंदर मैंने नहीं डाला, क्योंकि मैं जब तक आती हूँ तब तक पानी जा चुका होता है। मतलब आती तो मैं टाइम के ऊपर है, लेकिन मतलब पानी चला जाता है, मतलब पानी जल्दी आ गया था, देखते हैं कल डलता है या नहीं डलता है, नहीं डलेगा तो खुद में से निकालना पड़ेगा। फिर आ जाती है देखिए प्यारी सी गौ माता, उसको दे देती हूँ मैं रोटी। ये वो गौ माता है जो मतलब सब्जी या फल लग मतलब जो भी सब्जी लगती है उसको यदि लटकती हुई दिख जाती है, जैसे लौकी दिख गई त्योरी दिख गई, तो उसको खा जाती थी। एक काली है वो, मतलब वो तो कुछ भी नहीं छोड़ती, मतलब वो तो जड़ से ही निकाल देती है उस चीज़ों को, मतलब इन दो से खतरा रहता है वो काले वाले से ज़्यादा, इससे इतना नहीं है, क्योंकि ये सीधी है, मतलब एक फ्रूट फ्रूट मतलब सब्जी को फ्रूट के रूप में खा लेती है, बस इतना ही करती है। लेकिन हाँ वैसे सीधी है, काले वाली तो मारने के लिए भी आती है। और ये देखिए हो गई है सफाई मेरे नीचे की कम्प्लीट, और आ जाता है मोटा चिम्मू।
नया चीमू जी नहीं, मतलब नया चीमू तो बेचारा मर चुका है, लेकिन हाँ हमारा चीमू अभी तक नहीं आया। और हमारे चीमू ने आज फिर पोटी कर रखी थी, मतलब कभी कभी कर देता है, बदमाश है वो। लेकिन हाँ जैसा भी है बहुत प्यारा है। ये डोगी जी सुबह भी आ गए थे, अब ये सिंगल आया, मतलब अपने डोगी को छोड़कर आई है, कुत्तिया मतलब बीच है। और फिर ये देखिए चेष्टा बाबू आ जाती है ऊपर, और मेरा चिमू जी भी आ जाते हैं। कपड़े धो दिए हैं, ज़्यादा नहीं धोए, थोड़े बहुत धोए हैं। और फिर इस टाइम के ऊपर हम बना रहे हैं चाय, और मेरा लाडू जी कर रहा है अपने बाबू जी का फोटो शूट। देखिए मतलब एक तरफ मोटा चिमू है, एक तरफ छोटा चिमू, ये है छोटा चिमू, मतलब हम इसके साथ में खेलते हैं और ये हमारे साथ में खेलता है, और वो वाला है मोटा चिमू, वो डरता है, बहुत ज़्यादा डरता है। फिर आ जाते हैं हम ऊपर चाय को लेकर, और ये आ जाता है हमारा चीमू, ये कह रहा है कि खेल लो, मतलब देखिए हम बैठे हुए हैं, ये खेलने के लिए कह रहा है कि खेल लो मेरे साथ में। उसके बाद में वो चला जाता है। और ये देखिए शाम की चाय है जो बाबा जी को दे दी, ये रात का खाना जो बाबा जी को दे दिया था। और फिर मेरे लाडू जी सो जाता है। ओके बाय।